नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.6 प्रश्न नंबर 1 का पांचवा भाग मैं करने जा रहा हूं। यह 7x माइनस 2y बटा xy बराबर 5, 8x प्लस 7y बटा xy बराबर 15। हमें इसको पहले तो रैखिक समीकरण में निकालना है। रैखिक समीकरण तभी होगा जब नीचे ना तो x हो ना y हो। आइए देखें कैसे। बच्चों ध्यान से देखना कि एक्स वाई है, ये ऊपर दो पद हैं, दोनों के नीचे इकट्ठा है। सबसे पहला काम यह है कि मैं इसको अलग अलग लिखता हूं। बराबर 5। इसी प्रकार से यहां पर 8x प्लस 7y, तो 8x के नीचे भी एक्स वाई आ जाएगा, 7y के नीचे भी xy आ जाएगा अलग से, और ये 15 अलग से है। क्या किया हमने इस स्टेप में, ये xy जो दोनों के नीचे इकट्ठा था हमने इसको अलग अलग लिखा। ऐसे ये xy इन दोनों के नीचे अलग अलग था, इकट्ठा था, हमने इसको अलग अलग लिख दिया। इससे क्या होगा, आइए मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या होने वाला है। देखिए ये x से x कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7/y माइनस, यहाँ y से y कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 2/x बराबर 5। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे ये x से x कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 8/y प्लस, ये y से y कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7/x बराबर 15। अब जैसा हमने इस प्रश्न के पहले भाग में किया था, पुट 1/x बराबर a, 1/y बराबर बी। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां से 7 1/y की जगह बी माइनस 2 1/x की जगह ए बराबर 5। ये एक समीकरण, रैखिक समीकरण बन गए ना। यही हमें चाहिए कि पहले रैखिक समीकरण बनाओ। इसी तरीके से यहां देखो 8 1/y की जगह बी प्लस 7 1/x की जगह a बराबर 15। तो ये हमारे पास दो रैखिक समीकरणें बन गई। इसमें से इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण एक और इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण दो। फिर से मैं प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों को हल कर देता हूँ। देखिए बन गया 7v बराबर 5, 2a यहाँ माइनस हो रहा है, इधर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगले स्टेप में b बराबर 5 प्लस 2a, 7 यहाँ b के साथ गुना हो रहा है, जब उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और ये b की वैल्यू हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में b की वैल्यू डाल दो। 8 b की जगह ये b की वैल्यू 5 प्लस 2a बटा 7 प्लस 7 बराबर 15। इसे डरना नहीं है, बड़े आराम से इसे हम हल करेंगे। देखो कैसे, इसके नीचे यदि कुछ नहीं है तो 1, 7 और 1 का लघुत्तम होता है 7, 7 को 7 से, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, 7 को 7 से भाग किया 1, 1 ऊपर गुना होगा तो ये रकम ऐसे ही बन जाएगी। इस रकम को खोल दो, 8 × 5 = 40 प्लस ये 8 इससे भी गुना होगा और इससे भी होगा, 8 × 2 = 16a प्लस 7 को 1 से भाग किया 7, 7 को ऊपर 7a से गुना कर दिया, 7 × 7 = 49a बराबर 15। अगले स्टेप में 7 यहाँ इस पूरी रकम के साथ ये वाला 7 भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो इधर 15 के साथ गुना हो जाएगा, तो 15 × 7 हो जाएगा 105, 15 × 7 = 105। यहाँ क्या बच गया, 40 प्लस 16a प्लस 49a, 16 प्लस 49 होता है 65a। अगले स्टेप में आ गया 65a बराबर 105, 40 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया 65a बराबर 105 में से 40 निकाले 65, a बराबर 65, ये 65 a के साथ गुना हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा भाग, तो 65 से 65 कट के आ गया 1,
इसका मतलब ए का मान आ गया है एक। ठीक है बच्चों, ये अभी हमारे पास ए का मान आ गया है। अब हम इस ए का मान रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन 3 है देखो, थोड़ा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। इक्वेशन 3 है बी बराबर 5 प्लस 2 गुना ए, ए है 1 बटा 7, तो ये आ गया 5 प्लस 2 एकम 2 बटा 7, यानी 5 प्लस 2 7 बटा 7, और ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 एकम 7, इसका मतलब बी कितना आ गया 1, बी कितना आ गया है 1। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है, क्योंकि जो हमारी समीकरण है शुरू वाली वो एक्स और वाई में है। तो हम देखो, वन अपॉन एक्स किसके बराबर था, ए के बराबर। वन अपॉन एक्स किसके बराबर है, ए के बराबर। तो एक्स किसके बराबर होगा, वन अपॉन ए के बराबर। एक्स बराबर वन अपॉन ए, ए कितना आया है 1, तो एक्स बराबर 1 को 1 से डिवाइड कर दिया 1, इसका मतलब हमारे पास एक्स का मान कितना आ गया है 1 आ गया है। एक्स का मान कितना आ गया है 1 आ गया है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे वाई का मान। वाई देखो किसके बराबर है, कहाँ है वाई, ये है 1 अपॉन वाई बराबर बी। तो 1 अपॉन वाई बराबर बी, इसे वाई किसके बराबर होगा, इसका उल्टा तो इसका भी उल्टा, इसका उल्टा होगा 1 अपॉन बी। वाई बराबर 1 अपॉन बी, बी कितना आया है, बी कितना आया है 1, 1 को 1 से भाग करके कितना आ गया 1, इसका मतलब वाई भी कितना आ गया है 1। तो जो हमें इस समीकरण का हल निकालना था, एक्स और वाई का मान निकालना था, वो हमने निकाल दिया है, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 1। बच्चों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, यदि समझ आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।